गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा इस वीडियो में, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक्चुअली जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा होता है हिस्ट्री का हमारा, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसको एक पैटर्न में रखें, इसको एक पैटर्न में समझें और एक ऑर्डर में इसको तैयार करें। चैप्टर हमारा लंबा चलेगा इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने इस पूरे चैप्टर की एक समरी पीडीएफ के फॉर्म में बनाई है, मैं आपको वो दिखाता हूँ और उसको देख कर आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखें चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट पेज पे आपको फ्रेडरिक सोरियो की एक पेंटिंग मिलेगी और उसमें वो कुछ शो करना चाहते हैं कि कैसे सिस्टम जो है वो बदल रहा है, लोग चेंजेस को लाना चाहते हैं। और वहीं हमारे नेक्स्ट पेज पे हमें एक नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन मिलती है कि कैसे लोगों की जो कंट्री को, देश को बनाने की, देश को बनाने की जो मेन चीज़ है, जो फाउंडेशन है, उसमें कैसे बदलाव हो रहा है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप या द फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उससे चीज़ें जो है वो बिल्कुल बदल जाती है और वहाँ से नेशन का एक आइडिया स्टार्ट होता है। तो फ्रांस के लोगों ने इस चीज़ को कैसे किया, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा फ्रांस के लोगों ने कैसे कलेक्टिव नेशनलिज्म को बनाया, फिर इसका इम्पैक्ट जो है यूरोप में कैसे पड़ता है, फिर आपने याद होगा आप लोगों को नेपोलियनिक कोड जो स्टार्ट हुआ था, नेपोलियन ने कैसे यूनिफॉर्म चीज़ें मेजर स्टार्ट किए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमने जो समझना है वो समझना है, इस बार हम नई चीज़ पढ़ेंगे कि रिएक्शन क्या था नेपोलियन के लिए लोगों का, कि लोग नेपोलियन से खुश थे या नहीं थे जहाँ पर उसने अपना रूल को बढ़ाया। ठीक है, अगला जो टॉपिक होता है हमारा था मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें आप देखोगे कि नॉन नेशन स्टेट इन यूरोप, पहले नेशन स्टेट नहीं होते थे, किंगशिप होती थी और वही मेनली रूल करते थे। इससे राज्य का मतलब नहीं होता था, एक किंग जितनी एरिया को जीत लेगा वो उसका राज्य होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिचुएशन बदल रही है यूरोप में। हम देखते हैं कि मिडिल क्लास का राइज हो रहा है, आपने फ्रांस रेवोल्यूशन में पढ़ा भी था कि मिडिल क्लास कैसे चीज़ों को बदलना चाहती है। फिर वो इनका आइडियाज़ जो है वो थोड़े लिबरल आइडियाज़ हैं। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि कैसे तीन आइडियोलॉजी थी, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल। तो यहाँ पे जो लिबरलिज्म है उसके आइडियाज जो है वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि ये जो सोशल पॉलिटिकली उसका मतलब क्या है, सोशल क्या है और इकोनॉमिक, ये कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में आता है कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या है, सोशल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, फिर हम देखेंगे कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैसे जो पॉलिटिकल नेशनलिज्म की तरफ हमें लेके जाता है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा वो ट्रीटी ऑफ वियना 1815, कि जो नेपोलियन के हारने के बाद बैटल ऑफ वाटरलू में क्या कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ वियना, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उन्होंने क्या किया। फिर रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज, उसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसको, जुसेप्पे मेज़िनी को। तो इस तरीके से हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हो जाता है। तीसरा टॉपिक है द एज ऑफ रिवोल्यूशन, में हम पढ़ेंगे बहुत सारी अपहीवल्स हो रहे हैं यूरोप के मैप में, लगातार चेंजेस हो रहे हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम पढ़ेंगे। एक नंबर, तीन नंबर में क्वेश्चन आता है कल्चरल नेशनलिज्म, क्या नेशनलिज्म सिर्फ किंग से रिलेटेड है, नहीं, कल्चर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग, थिएटर, मूवी, म्यूजिक, इस तरीके की चीज़ें, इनसे जो है नेशनलिज्म वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे। फिर देखिए ना, हम एक 1830 एक ऐसा दौर है जिसमें यूरोप, पूरे यूरोप में बहुत सारी परेशानियां होती हैं और जब भी परेशानियां होंगी तो क्या होगा, फिर रिवॉल्यूशन आएगा। फिर 1848 में एक दोबारा से क्रांति होती है और फ्रांस में ही इसकी शुरुआत होती है दोबारा से। ठीक है, फिर जर्मनी में लोगों ने एक एफर्ट किया, तो जर्मनी में एक एफर्ट किया कि पूरे देशों को मिलाकर, यानी जर्मनी के जितने भी टूटे हुए हिस्से थे उन सबको जोड़कर एक नया, दोबारा से एक पूरी यूनाइटेड जर्मनी बनाई जाए, लेकिन वो फेल हो जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में। फिर आता है रोल ऑफ वुमेन, जैसे हम पढ़ते थे ना फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोल ऑफ वुमेन क्या था, या जो आपका रशिया में या नाजीज़म में, वैसे ही हमारे यहाँ पर है रोल ऑफ वुमेन क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑन द मोनार्क, इससे क्या हुआ, जब रेवोल्यूशन हुआ तो जो राजा थे उन्होंने कुछ बदलाव करने की कोशिश की क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, हम देखेंगे कि जर्मनी कैसे एक यूनाइटेड कंट्री बना और फिर इटली कैसे एक यूनाइटेड नेशन बन गया, उससे पहले ही बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। फिर हम इसमें साथ ही साथ ब्रिटेन का भी देखेंगे कि ब्रिटेन भी कैसे एक यूनाइटेड कंट्री बन गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। द कंसेप्ट ऑफ एलिगरी, नेशनल जो है विजुलाइजेशन ऑफ नेशन, तो एलिगरी कैसे, जैसे हम लोग इंडिया में भारत माता, वैसे यहाँ पर क्या है जर्मेनिया, मरियम, इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इंडिया, इनमें कैसे उसको यूज़ किया गया।
जो लास्ट टॉपिक हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कैसे नेशनलिज्म की जो चीज अच्छी काम के लिए स्टार्ट हुई थी वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, दूसरे देशों पे कब्जा करना शुरू कर देते हैं, इंपीरियलिज्म स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से लोगों के बीच में टेंशन हो जाती है देशों के बीच में, और इसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने पर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आपने देखा ये चैप्टर मैंने आपको पूरा एक थोड़ी सी समरी ओवरव्यू देने की कोशिश की, अब इसको मैं आपको चैप्टर की वीडियो से या चैप्टर की पीडीएफ से भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो पहली यूनिट है, अच्छा इसमें देखेंगे आप लोग सबसे पहले जो है ये फर्स्ट इमेज जो मैंने आपको बताई थी फ्रेडरिक सोरो वाली, ठीक है बेटा, फर्स्ट इमेज फ्रेडरिक सोरो वाली, ये जो वो इमेज है जिसमें वो चक्का की सारी चीज़ें दिखाना चाहते हैं, इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद हम लोग इस पेज पे देखेंगे हमारे पास कई दो चीज़ें हैं, जैसे ये नागया नेशन स्टेट, ठीक है, नेशन स्टेट की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा आता है टॉपिक है वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर इस पेज में हम देखेंगे उसके आइडियाज़ क्या हैं, कैसे उन्होंने इस चीज़ों को स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे जो फ्रांस से जो आइडियाज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो यूरोप में फैलने लगे, ठीक है, ये उस समय का कुछ मैप दे रखा है आपको। फिर हम देखेंगे ये फ्रांस कैसे चीज़ों को लेके जा रहा है बाहर फोर्सफुली, ये नेपोलियन को दिखाया कि कैसे वो चीज़ें आगे स्प्रेड कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे नेपोलियन से लोग क्या है नाराज़ भी होने लगे, इस पैराग्राफ में आप देखेंगे उस चीज़ को। ओके, तो मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर हम देखते हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप कैसे बढ़ रहा है, चीज़ें कैसे स्प्रेड हो रही है, यहाँ पर एक टाइमलाइन भी दे रखी है आप लोगों को इस पेज पे, यहाँ पर आप टाइमलाइन को भी देख सकते हैं। फिर ये एरिस्टोक्रेसी मिडिल क्लास कैसे बढ़ती है, मिडिल क्लास उसकी डिमांड क्या होती है, लिबरलिज्म का मतलब क्या है हम इस पर देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको स्लाइड में कि लिबरलिज्म सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वो समझाना है हमें, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव्स जो लोग हैं वो कैसे करते हैं, वियना में जो कन्वेंशन होती है उसमें क्या मेन जो फंडा होता है उनका, मेन जो यूरोपियन पावर मिलती हैं जो क्या नाम है जिन्होंने उसको हराया था नेपोलियन को, ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ, चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। फिर रिवोल्यूशनरीज जोसेफ मेजिनी का इसमें बहुत ज़्यादा मेन अच्छा रोल होगा, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे जोसेफ मेजिनी ने कैसे काम किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं द एज ऑफ रिवोल्यूशन, उसमें हमारा जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जैसे फ्रांस में चीज़ें बदलती हैं तो बाकी जगह भी बदल जाती है। फिर उसके बाद इस पेज पे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से समझनी है। इसके बाद देखिए रोमांटिक नेशनलिज्म इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म कैसे सिर्फ और सिर्फ साइंस और मैथ से नहीं, फीलिंग से क्रिएट होता है, डांस से, म्यूजिक से, थिएटर से, लैंग्वेज से, इन सब चीज़ों से। फिर 1930 वाला जो मैंने आपको बताया था, 1930 का दशक बहुत ज़्यादा खतरनाक था यूरोप के लिए, बहुत ही ज़्यादा सब्सिस्टेंस क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई थी, ठीक है। इसके बाद 48 में रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं दोबारा से जो है 1848 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशानी होगी तो क्या होगा, इट विल बी फॉलोड बाय अ रिवोल्यूशन, ठीक है। इस रिवोल्यूशन में चीज़ें बदल जाती हैं दोबारा से, फ्रांस में एक रिपब्लिक से आता है, यहाँ पर हम देखते हैं उसमें जैसे फ्रांस के बाद ये जर्मनी में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का एक सीन है, वहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में लोगों ने कोशिश की जर्मनी को एक यूनाइटेड नेशन बनाने की, लेकिन वो फेल हो गया, ठीक है। ये था रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स कहते हैं 1848 को, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब ये फेल हो गया तो जर्मनी को यूनाइट करने की और इटली को यूनाइट करने की उनके कुछ राज्यों ने यानी उनके राजाओं ने इसको बीड़ा उठाया और कैसे इनको यूनिफिकेशन किया। तो सबसे पहले हमारा जर्मनी का यूनिफिकेशन है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो है ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसे जर्मनी का जो एरिया है बटा हुआ है वो सारा कंबाइंड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट होता है, इसमें काफ़ी सारे लोग थे जो इसने इसमें काम किया, ठीक है ना, कैवू, जोसेफ मेजिनी, विक्टर इमैनुअल, सार्डिनी बियरमन का अच्छा और गैरिबाल्डी, काफ़ी सारे लोग थे, ठीक है। तो ये देखिए इटली के दो मैप, कैसे इटली एक बिखरा हुआ देश था, बाद में ये एक कम्बाइंड नेशन बन जाता है, ठीक है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है आपको समझने के लिए, ब्रिटेन का केस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देखेंगे। विजुअलाइजेशन कैसे, ये देखो देश के लिए, यानी जैसे हम लोग देखते हैं ना इंडिया में भारत माता की पोर्ट्रेट, वैसे ये जर्मेनिया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये आपको दिखाया है मरियम, जर्मेनिया ये अगेन। तो उसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कैसे नेशनलिज्म जो है वो, इसमें हम बेसिकली बालकान नेशंस के बारे में पढ़ेंगे, बालकान में आपको समझाऊंगा बालकान एक्चुअली है क्या, इसमें अपने आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ से यूरोपियन पावर जो है पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रही है। इंपीरियलिज्म जो नेशनलिज्म से स्टार्ट हुआ था वो इंपीरियलिज्म पे ख़त्म होता है, और इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है।
यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट ओवरव्यू देने के लिए आपको यहाँ पर समझा।